सिखों को डैमेज करने के लिए भी कड़ा पगड़ी गुरुद्वारा की बात कर रहे हैं, वही बात पन्नू बोल रहा है, वही बात अब पाकिस्तान के मंत्री बोल रहे हैं। फर्क कहां रह गया? भी जान क्यों देनी पड़ी पंजाब को? क्योंकि आग जो लगाई थी वो गांधी फैमिली ने पंजाब में लगवाई थी, वही आग जम्मू कश्मीर में लगाई। मैं तो उतनी देर कहता रहूंगा जितनी देर राहुल गांधी या खड़गे साहब पन्नू के बयान, जो गुरप्रवंत पन्नू जिन्होंने कहा है, भी राहुल गांधी ने जो कहा है भी सिखों को कड़ा पगड़ी बांधने नहीं दिया जा रहा, गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा, दोनों के बयान एक हैं। जितनी देर खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी इस बात पे स्पष्ट नहीं करेगी, तो उतनी देर मैं ये बात एक बार नहीं 100 बार कहूंगा और राहुल गांधी के सामने पार्लियामेंट में भी कहूंगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और अपनी बात मजबूती से रखते हैं। रवनीत जी, चुनाव का माहौल है और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि धारा 370 पे जो पाकिस्तान की राय है वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की भी है, वहां के डिफेंस मिनिस्टर कैसे देखते हैं इस बयान को? देखा ना, फिर मैं तो लगातार क्या कह रहा हूं, तो फिर खड़गे साहब गुस्से हो जाते हैं, उनको गुस्सा आता है, क्योंकि उनका उनकी जिम्मेवारी है, उनका गांधी फैमिली, उनका वंश, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उसे सेफ गार्ड करके रखना है। अब देखो, यही बात जो अलायंस पार्टनर है एनसी और कांग्रेस, वो यही कह रहे हैं अभी 370 हटेगी, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं सिखों को डैमेज करने के लिए भी कड़ा पगड़ी गुरुद्वारा की बात कर रहे हैं, वही बात पन्नू बोल रहा है, वही बात अब पाकिस्तान के मंत्री बोल रहे हैं। फर्क कहां रह गया? राहुल गांधी, पन्नू और पाकिस्तान, ये पूरा ट्रायंगल आपके सामने आ गया। जबकि मोदी जी तीसरी बार टर्म आई है, बहुत ताकतें हैं जो एकदम इंडिया, ये आप देख रहे हैं आज मंडपम में आए हुए हैं, आप देख रहे हैं फूड प्रोसेसिंग, और अमेरिका प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, वहां पे आपने ट्रंप उनकी बात सुनी, क्या शब्द थे उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और दुनिया आज देश की तरफ देख रही है। तो ये घबराहट खड़गे साहब और जिस परिवार को वो सुरक्षित करना चाहते हैं वो तो एक्सपोज हो रहा है, वो तो नंगा हो रहा है, और उनको आगे तो थोड़ी बहुत ही वो देश का थोड़ी बहुत ही उनको कहीं ना वो थोड़ी सी शर्म या रखते थे, लेकिन अब तो उतरी गई। लेकिन कल बहुत विरोध हुआ, आपने भी देखा होगा, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, पुलिस थाने में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई अजय माकन की तरफ से और दूसरे नेताओं की तरफ से। और दूसरी चीज, आपने आतंकी कहा राहुल गांधी को, फिर आपने एक बयान दिया और ये कहा जा रहा है कि आपने सफाई दी है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं अपने बयान पे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो तो क्या हुआ, जो मेरा बयान था वो उनको कई और लोगों के साथ जोड़ के, किसी ने जीभ काटने की बात कर दी, किसी ने कोई और वो चीजें वो ले आए बीच में, वो सिर्फ ध्यान डिवर्ट करने के लिए है। आज नड्डा साहब ने बहुत मजबूती से जी, आज बिल्कुल इस तरीके से उन्होंने स्टीक, एक एक लाइन, एक एक अक्षर जो राहुल गांधी बोलते रहे हैं, वो आज नड्डा साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने खड़गे साहब तो जवाब दिया है, चिट्ठी का जवाब, चिट्ठी से उन्होंने राहुल गांधी को लेकर चिट्ठी लिखा खड़गे साहब ने, और नड्डा जी ने खड़गे साहब को उसी संदर्भ में फेल प्रोडक्ट कहा है राहुल गांधी। हम गोली का जवाब गोली से देने वाले थोड़ी हैं, वो तो ये हैं जो हर टाइम इन्होंने सिखों के मैसेकर करवाया, जम्मू कश्मीर जो हालात बने थे वो किसने बनाए थे, वो देन किसकी थी? यहां तो आके अमित शाह जी, होम मिनिस्टर हमारे, प्राइम मिनिस्टर साहब, किस तरीके से कंट्रोल किया है। आप यार इसी बात से पूछ लो, इससे पहले खड़गे साहब या राहुल गांधी लाल चौक पे जाके, इनमें से कोई भी, और जो इनके होम मिनिस्टर का जवाब आया, मेरे तो मुंह से कहने पे मुझे शर्म आती है, जो शिंदे साहब ने जो बयान दिया, तो आज
ये दुख होता है यार, ऐसे होम मिनिस्टर के नीचे हम एज ए मेंबर पार्लियामेंट रहे। अगर हम लोग शहीद परिवार से आते हैं जिन्होंने कुर्बानी दे दी अपनी, वो भी जान क्यों देनी पड़ी पंजाब को? क्योंकि आग जो लगाई थी वो गांधी फैमिली ने पंजाब में लगवाई थी, वही आग जम्मू कश्मीर में लगाई आज, और इनकी डिफेंस में कोई आया नहीं, तो अब सीधा पन्नू और पाकिस्तान इनके डिफेंस में खड़ा हो गया। बात जो आप कह रहे थे, शिकायत किसने की है, इनके जो खजांची साहब हैं, नहीं, जो आप नाम ले रहे थे, जो इनके ट्रेजरार हैं, क्या नाम है उनका, जो माखन साहब खुद उनको पता है अभी असैसिनेशन उनके परिवार में हुआ, तो वो देन किसकी थी? क्यों ये सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी के लीडरों को? क्यों यहां तक नफरत जो एक भावना सिखों के मन में कांग्रेस के प्रति आई, क्यों आई थी भाई? किसी ने उस टाइम तो बीजेपी नहीं थी, बीजेपी ने तो किसी को कुछ नहीं कहा था, क्यों लेकिन ये चीज आई भाई, हमें अपनी कुर्बानीए 35,000 दे के वो ठंडा करना पड़ी वो आग। पर आज वही आग जहां तो क्लियर, मैं एक आपसे कहना चाहता हूं, क्लियर खड़गे साहब ये बता दें भी जो पाकिस्तान के मंत्री ने या पन्नू ने जो बात कही है उसको आप एंडोर्स करते हैं जहां आप उसका विरोध करते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण। धारा 370 हटाने की बात तो कभी कांग्रेस या राहुल गांधी ने नहीं की है कि हम धारा 370 को दोबारा से बहाल कर देंगे जो सरकार ने हटाया है। फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं, अमर अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, वही उनका अलायंस है उनके साथ। तो अगर बड़ा पार्टनर है जो, वो तो एनसी है उनका, तो इसलिए वो जो कह रहा है, अब ये बात, आप तो बहुत सीनियर हैं, आप केजरीवाल और राहुल गांधी में कोई अंतर आप कहेंगे कि अंतर है? जब इंडी अलायंस है तो उसी इंडी अलायंस में एनसी है, उमर अब्दुल्ला साहब है, फारूक अब्दुल्ला साहब है, राहुल गांधी है। आपने देखा नहीं भी किस तरीके से जब समझौता हुआ कश्मीर की घाटियों में उनके घर जाके किस गर्मशोशी से वो एक दूसरे को मिल रहे थे, तो इसका मतलब क्या है? अब ये कोई बच्चों वाली गेम, लूडो तो या छोटी कोई कैरम बोर्ड तो खेल नहीं रहे, ये तो सियासत कर रहे हैं ना, और सियासत भी लोगों के आंखों में धूल डाल के करने की कोशिश। अंतिम सवाल करूंगा रवनीत जी, आपने कल बयान दिया, वो सामने आई, आतंकी पे आपने अपना पक्ष रखा, जो शब्द कहते, आप अभी भी कायम है कि राहुल गांधी आतंकी, जो आपने पहले कहा था? मैं तो उतनी देर कहता रहूंगा जितनी देर राहुल गांधी या खड़गे साहब, पन्नू के बयान, जो गुरप्रवंत पन्नू जिन्होंने कहा है, भी राहुल गांधी ने जो कहा है भी सिखों को कड़ा पगड़ी बांधने नहीं दिया जा रहा, गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा, दोनों के बयान एक हैं। जितनी देर खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी इस बात पे स्पष्ट नहीं करेगी भी हम जो राहुल गांधी के बारे में पन्नू ने बोला है वो शब्द हम उसे निंदा करते हैं, हमारी जो उसने बात की ही है उसके बिल्कुल नजदीक भी हम कहीं नहीं है, जितनी देर वो नहीं होगा तो उतनी देर मैं ये बात एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, और राहुल गांधी के सामने पार्लियामेंट में भी कहूंगा। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो रवनीत सिंह बिट्टू हमारे साथ थे, कैमरा पर्सन निजाम के साथ, नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।